नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने आरोपों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को एक ट्वीट में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की एक ताजा शिकायत पर पुनः जांच का आदेश दिया गया है, जिन्होंने अपनी मां के साथ 2018 में आत्महत्या कर ली थी। देशमुख ने कहा कि अदन्या ने आरोप लगाया कि अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी के चैनल से बकाया भुगतान न करने की जांच नहीं की है, जिसने मई 2018 में उसके पिता और दादी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने कहा, मैंने मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया है। यह मामला मई 2018 की एक घटना का उल्लेख करता है, जब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को अलीबाग पुलिस ने 53 वर्षीय अन्वय और उनकी मां की आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के लिए बुक किया था। अपने सुसाइड नोट में अन्वय ने कथित तौर पर दावा किया था कि गोस्वामी और 2 अन्य मीडिया सर्विसेज फर्म आईकास्ट एक्स, स्काई मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क के नितेश सारडा, जो लचीले कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, उन पर कुल 5.5 करोड़ रुपए बकाया है। FIR के अनुसार गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के स्वामित्व वाली मूल कंपनी ARG आउटलेयर मीडिया का आर्किटेक्ट पर 83 लाख रुपए बकाया है, जिसके पास कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म है। आरोप दूसरी बार सामने आए, यह दूसरी बार है जब यह मामला फिर से सामने आया है। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें आर्किटेक्ट की विधवा अक्षता नाइक ने आरोप को दोहराया, जिसने अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जवाब में समाचार चैनल ने एक बयान जारी करते हुए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो वाड्रा कांग्रेस द्वारा नेटवर्क पर दबाव डालने का नवीनतम प्रयास था। यह भी दावा किया गया कि पुलिस द्वारा एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के बाद ARG आउटलेयर मीडिया के खिलाफ मामला एक अदालत द्वारा बंद कर दिया गया। यह भी चेतावनी दी गई कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने, झूठे दावे करने और ARG आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को निशाना बनाने का प्रयास नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ किया जाएगा, जिसमें आपराधिक साजिश, मानहानि और आपराधिक धमकी के प्रावधान शामिल हैं। यह मामला महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और अर्णब गोस्वामी के बीच चल रहे झगड़े के बाद शुरू हुआ। पिछले महीने पत्रकार को पालघर लिंचिंग मामले पर अपने प्रसारण पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए बुक किया गया था, जिसमें 2 साथियों और उनके ड्राइवर को पीटा गया था। शो के कुछ घंटों बाद जारी किए गए एक वीडियो में गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि मुंबई में कांग्रेस के गुंडों ने उन पर हमला किया जब वह अपने घर वापस आ रहे थे। बाद में उनके द्वारा दायर एक याचिका में उन्होंने मांग की कि गांधी को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ 100 से अधिक FIR कई कांग्रेस शासित राज्यों में दायर की गई, इस आधार पर खारिज कर दी जाए कि अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी के मामले में मुंबई पुलिस जांच को CBI को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया और कई राज्यों में समान FIR को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा है कि एक ही प्रसारण पर कोई नया मामला दायर नहीं किया जा सकता है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।